हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स। सो आज किस वीडियो में गाइस हम देखने वाले कि हम किस तरह से अपने सिस्टम में AWS इंस्टॉल कर सकते हैं, मीन्स AWS सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो क्रिएट कर रखा है, बट गाइस उसमें एक इशू यह है कि उसमें मेरी वॉइस ओवर नहीं है, सिर्फ सिंपल सा एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो गाइस, मुझे बहुत सारे सजेशन आए कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने सिस्टम में AWS सेटअप कर सकते हो, ताकि अपना AWS आप क्रिएट करके अपने सेल्सफोर्स और में डिप्लॉय करके उसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस सिंपली चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, वो है कि हमें सबसे पहले सेल्सफोर्स CLI सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा। गाइस सिंपली सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली चलना है गूगल क्रोम में, सिंपली सर्च करना है सेल्सफोर्स CLI, देन सिंपली आपको एंटर करना है। तो गाइस, जो फर्स्ट लिंक है सेल्सफोर्स CLI वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन गाइज, आपको ऐसा पेज आ रहा होगा। तो गाइज, आपको सिंपली अपना ओएस सेलेक्ट करना है। तो गाइज, अगर मैं विंडो यूज़र हूँ तो सिंपली मैं विंडोज सेलेक्ट करूँगा एंड सिंपली डाउनलोड सेटअप पर क्लिक कर दूंगा। सिंपली गाइज, हम वेट करेंगे जब तक ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। सो गाइज, हमारा डाउनलोड इसका कंप्लीट हो चुका है, हमें सिंपली चलना है फोल्डर्स में एंड सिंपली सेटअप को इंस्टॉल करना है। तो गाइज, सिंपली आपको क्लिक देन इंस्टॉल बटन क्लिक करना है एंड देन आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में थोड़ी ही देर में। तो गाइस, हम तब तक के लिए वेट करेंगे। सो गाइस, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें सिंपली क्लोज करना है एंड सिंपली देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। तो गाइस, सिंपली आपको अपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपके एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ जो है उसमें आपको ये वाला पाथ स्टोर करना है, मीन्स सेव करना है। तो गाइस, बेसिकली सेल्सफोर्स CLI सेटअप इंस्टॉल करते ही आपको एक ऑप्शन आता है कि स्टोर द पाथ बाय डिफॉल्ट इन द एनवायरमेंट वेरिएबल। तो गाइज, अगर आपने उस चेकबॉक्स पे सिलेक्ट किया होगा तो वो ऑलरेडी स्टोर हो गया होगा। अगर गाइज आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो हम सिंपली चल के मैनुअली उसे स्टोर करने वाले हैं। तो गाइज, सिंपली मैं जाऊँगा अपने सर्च बार में, सिंपली सेलेक्ट कर सर्च करूंगा एनवायरमेंट। तो सिंपली आपको एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक कर देना है, देन सिंपली आपको एनवायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक करना है। देन गाइज, सिंपली आप देख रहे हो पाथ वाला, तो सिंपली आपको न्यू पे क्लिक करना है वहाँ पे। तो गाइज, आपको पहले न्यू पे क्लिक नहीं करना, आपको सिंपली एडिट क्लिक करना है, देन आपको चेक करना है कि वो ऑलरेडी आपका पाथ एडिट है या नहीं। तो गाइज, आप जैसे देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, वो पाथ हमारे पास ऑलरेडी एडिट है जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन शो किया था। तो गाइज, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सेकंड वाला प्रोग्राम फाइल्स /sfdx/bin। तो गाइज, ये पाथ आपका स्टोर होना चाहिए आपके एनवायरमेंट वेरिएबल में, अदरवाइज गाइज आपका सेल्सफोर्स CLI प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो गाइज, ये बहुत ही केयरफुली आपको करना पड़ेगा ये स्टेप आप तो गाइज ये स्टेप आप बहुत ही केयरफुली करना। देन गाइस, सिंपली आपको ओके करना है, देन आपको सिंपली अगेन ओके करना है एंड देन सिंपली क्लोज कर देना आपका एनवायरमेंट वेरिएबल वाला विंडो। देन गाइस, हमारे थर्ड स्टेप में हमें विजुअल स्टूडियो कोड IDE इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइस, VS कोड बेसिकली एक IDE है कोडिंग के लिए, जिसमें हम अपना सारा का सारा कोडिंग करेंगे अपने AWS एपेक्स या फिर कोई भी कॉम्पोनेंट क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल AWS एपेक्स या फिर ओरा। तो गाइस, सारे के सारे हम VS कोड से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपली आपको चलना है, सर्च करना है VS कोड एंड आपको सिंपली फर्स्ट वाला लिंक क्लिक कर देना है। देन गाइस, सिंपली आप यहाँ पर भी अपना ओएस सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप विंडोज़ हो, मैक हो, से आप मैक यूज़र हो, विंडोज़ हो या फिर जो भी हो, तो आपको सिंपली डाउनलोड करना है। देन गाइस, थोड़ी देर में ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, सिंपली डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो हम सिंपली थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे जब तक हमारा डाउनलोड फिनिश नहीं हो जाता। सो गाइस, हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, हमें सिंपली ओपन करना है, ऐसे भी सिंपली इंस्टॉल करना है, सिंपली नेक्स्ट, देन आपको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन आपको क्रिएट करना, तो नेक्स्ट देन सिंपली इंस्टॉल। तो गाइज, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं किया। तो जैसे आपको इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से VS कोड आपको दिखेगा। तो सिंपली हमारा जो फोर्थ स्टेप है उसे हमें क्या करना है, उसमें हमें अपने VS कोड में सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करना है। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक आपको कहाँ से मिलने वाला है VS कोड में। तो गाइज, सिंपली चलना है, उसके लिए हमें अपना VS कोड ओपन करना है, देन आपको सिंपली ये एक्सटेंशन वाला आइकन क्लिक कर देना है जो फोर्थ नंबर पर आपको शो हो रहा होगा, देन आपको सिंपली सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक सर्च करना है। सो गाइस, सिंपली आपको सर्च करते ही आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा या फिर सेकंड ऑप्शन, आप देख सकते हो। गाइस, सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो गाइस, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइस, फाइनली हमारा सारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप का, हमें सिंपली चलना है अपना SFDX प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसमें अपना सारे सारे कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल AWS कॉम्पोनेंट या फिर एपेक्स क्लास कुछ भी। गाइस, सिंपली गाइस हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, Ctrl+Shift+P प्रेस करना है, तो आपको सारे सारे SFDX कमांड आपको VS कोड में शो हो जाएंगे। सिंपली चलना है VS कोड में, सिंपली प्रेस करना है Ctrl+Shift+P। तो गाइस, आप देख सकते हो कि आपको पहला ऑप्शन है SFDX क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट। तो गाइस, आपको सिंपली ये सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको थोड़ा सेकंड के लिए रुकना है क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है, देन आपको वो ऑप्शन शो होगा अपना नाम मेंशन करने।
देन गाइस सिंपली आपको स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना है। तो अभी के लिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ गाइस सेल्सफोर्स न्यू, सिंपली मैं मेंशन करता हूँ सेल्सफोर्स अंडरस्कोर न्यू एंड गाइस सिंपली एंटर हिट कर दूंगा। एंड गाइस आप सिंपली पाथ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे वो फाइल की डायरेक्टरी स्टोर करनी है। तो सिंपली अभी के लिए मैंने बाई डिफॉल्ट रख दिया है एंड गाइस आपको सिंपली एक्सेस दे दे रहा हूँ। तो गाइस ये आपका SFDX प्रोजेक्ट कम क्रिएट हो चुका है। हमें क्या करना है, हमें सिंपली चलना है फोर्स हाइफन ऐप पर क्लिक करना है, देन सिंपली मेन फोल्डर है, देन उसके अंदर डिफॉल्ट फोल्डर है एंड डिफॉल्ट के अंदर हमारा LWC वाला फोल्डर है, राइट आपको दिख रहा होगा लेआउट के जस्ट नीचे। तो गाइस सिंपली आपको LWC कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो गाइस सिक्स स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो गाइस सिंपली सिक्स स्टेप में हम अपना LWC कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस सिंपली आपको LWC कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी अगेन वही कमांड रन करना है, कीज प्रेस करने हैं, तो आपको सारे सारे SFDX कमांड शो हो जाएंगे। तो गाइस सिंपली LWC क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली LWC फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको ऑप्शन आता है क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करने का, आप जैसा ये देख सकते हैं गाइज मेरे स्क्रीन पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्री प्रेस करेंगे तो भी आपको SFDS कमांड आ जाएगा। तो गाइज आपको सिंपली क्लिक करने के बाद अपना LWC कॉम्पोनेंट नेम मेंशन करना है। तो गाइज हमेशा याद रखना LWC कॉम्पोनेंट का जो नेम है वो हमेशा केमल केस में होगा, मीन्स उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे LWC कॉम्पोनेंट नाम है माई फर्स्ट LWC जिसमें एम स्मॉल है। तो गाइस सिंपली हमारा LWC कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो गाइस जैसा कि आप मेरे स्क्रीन देख सकते हो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट थ्री फाइल्स क्रिएट होकर मिलती है एक LWC बंडल में। तो गाइस आप देख सकते हो कि HTML फाइल, देन JS फाइल, देन MetaXML फाइल। तो गाइस इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखने वाले थे कि हम किस तरह से LWC इंस्टॉल एंड सेटअप कर सकते हैं हमारे सिस्टम में एंड किस तरह से आपको एक प्रॉपर किस तरह से आपको एक छोटा सा LWC कंपोनेंट क्रिएट करके शो कर सकते हैं अपने सेल्सफोर्स में, ताकि आपको यह लगे कि बस इंस्टॉल करवा के छोड़ दिया, मीन्स आप देख भी लोगे किस तरह से LWC कंपोनेंट शो होता है हमारे सेल्सफोर्स में। सिंपली अभी के लिए क्या करता हूँ गाइस, अभी के लिए सिंपली मैं चलता हूँ लाइटनिंग कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइस लाइटनिंग कार्ड एक LWC कंपोनेंट ही है, सिंपली टाइटल में मेंशन करूंगा। सो गाइस बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, टाइटल में हार्ड कोड ना करके एक प्रॉपर्टी मेंशन कर दूंगा। तो गाइस आपको पता होगा LWC प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपली मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखा है। तो सिंपली मैं चलता हूँ टाइटल में, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मेंशन कर जाऊंगा जिसका नाम मेंशन कर दूंगा माई टाइटल। तो गाइस सिंपली प्रॉपर्टी एक वेरिएबल आप कह सकते हो LWC में, जिसके थ्रू आपको कोई वैल्यू शो करना है तो आप यूज़र को शो कर सकते हो इसके लिए। बस सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ में, मैं हार्ड कोडेड वैल्यू मेंशन करता हूँ माई LWC कॉम्पोनेंट। यहाँ पे गाइज आप चाहो तो हेलो वर्ल्ड मेंशन कर सकते हो। देन गाइज सिंपली मैं चलता हूँ अपने JS फाइल में एंड यहाँ पे गाइज जो हमारा माई टाइटल करके जो हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, राइट जो कि हमने अपने टाइटल में पास किया, वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि उस माई टाइटल प्रॉपर्टी में हम क्या वैल्यू शो करना चाहते हैं यूज़र को। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ माई टाइटल इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो। सो मैं मेंशन करता हूँ हेलो वर्ल्ड, देन गाइज ये हमने अपना प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर कर दी। देन गाइज मैं चलता हूँ MetaXML फाइल में, यहाँ पे हमें इज एक्सपोर्ट की वैल्यू ट्रू मेंशन करना है। देन आपको टारगेट्स टैग मेंशन करना है, टारगेट्स, देन गाइज टारगेट्स टैग के अंदर, राइट पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। सो गाइज टारगेट्स टैग के अंदर हमें एक टैग लेना है टारगेट नाम। तो गाइस बेसिकली जो MetaXML फाइल है इसमें हम वो मेंशन करते हैं कि हमारा जो LWC कंपोनेंट है वो यूज़र को किस किस पेज में शो होगा। तो गाइस सिंपली मैं अभी के लिए टारगेट में मेंशन कर देता हूँ। तो गाइस बेसिकली हम तो गाइस सिंपली अभी के लिए मैं टारगेट टैग में मेंशन कर देता हूँ हमारा लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज, क्योंकि गाइस हम अपना ये LWC कंपोनेंट यूज़र को रिकॉर्ड पेज में शो करना चाहते हैं, मीन्स अपना LWC कंपोनेंट जो कि हम डिप्लॉय करेंगे वो हम कहाँ पर ड्रॉप करेंगे, हमारे रिकॉर्ड पेज में। तो गाइस सिंपली लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज, देन गाइस सिंपली, तो गाइस इसका सिंपली सही मतलब है कि हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो ये LWC कंपोनेंट जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं माई फर्स्ट LWC नाम से, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र को रिकॉर्ड पेज पे ही शो होगा। सो गाइस जैसे हमारा सेवन्थ स्टेप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, मीन्स आप जब डिप्लॉय नहीं कर सकते हो अपने LWC कंपोनेंट को, आप अपने सेल्सफोर्स में ड्रॉप ही नहीं कर सकते, तो क्या मतलब। सिंपली गाइस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपना VS कोड ऑथराइज करना पड़ेगा, किससे, हमारे सेल्सफोर्स से। सो गाइस अभी के लिए आप देख सकते हो बॉटम पे यहाँ पे नो डिफॉल्ट ऑफसेट्स मैसेज कर रहा है, राइट मीन्स आपका सेल्सफोर्स और अभी इससे कनेक्टेड नहीं है। आपको अपना VS कोड अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग से कनेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा, सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करना है, देन आपको सिंपली ऑथराइज एंड ऑर्ग वाला कमांड सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली गाइज आप दोस्तों ये वाला कमांड है ऑथराइज एंड ऑर्ग, आपको सिंपली वो सिलेक्ट कर देना है। सो गाइज अगर आपका सेल्सफोर्स ऑर्ग एक डेवलपर ऑर्ग है तो आपको गाइज प्रोजेक्ट डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है। अगर गाइज आपका प्रोडक्शन ऑर्ग है तो आपको प्रोडक्शन सेलेक्ट करना है। अगर गाइज अगर आपका सैंड बॉक्स है तो आपको सिंपली सैंड बॉक्स सेलेक्ट करना है। तो गाइज अभी के लिए मेरा ये डेवलपर ऑर्ग है एंड गाइस अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो आई एम श्योर आपका भी डेवलपर ऑर्ग ही होगा। तो आपको सिंपली प्रोजेक्ट डिफॉल्ट तो आपको सिंपली प्रोजेक्ट डिफॉल्ट सेट करना है। देन गाइस आपको सिंपली अपना वो ऑर्ग का एक नाम देना है, मीन्स आप कह सकते हैं एक नेम स्पेस देना है जो कि आपका एकदम बॉटम में शो होगा, जबकि आपका
जो कि आपका ये नाम बॉटम विश होगा जब आपका सेसोस और सक्सेसफुली ऑथराइज हो जाएगा आपके वीएस कोड से। तो गाइज आप ऐसे रिडायरेक्ट हो जाओगे तो आपको सिंपली अपना क्रेडेंशियल मेंशन करना है आपके सेल्सफोर्स और का, सिंपली लॉगिन पे इंटर हिट कर देना है। देन गाइज आपको सिंपली एक पॉपअप शो होगा आपको थोड़ी देर में जहाँ पे आपको एक्सेस मांग रहा होगा ऑथराइजेशन के लिए। तो गाइज आपको सिंपली अपना ओटीपी सेंड कर, तो गाइज आपको सिंपली अपना ओटीपी मेंशन करना है यहाँ पे, जो भी आपको पासवर्ड आएगा आपके मेल पे या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, सिंपली आपको वेरीफाई कर देना है। देन गाइज आप सिंपली लॉग इन हो जाओगे अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। एंड गाइज अगर आप वीएस कोड में जाकर देखो तो आपका ऑथराइज एंड ऑथ सक्सेसफुली रन करके आपको कमांड शो हो रहा होगा, राइट, मैसेज शो हो रहा होगा। एंड गाइज जहाँ पे आपको नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट शो हो रहा था, अब वहाँ पे गाइज आपको वो शो हो रहा है जो कि आपने नेम मेंशन किया था एज अ नेम स्पेस। अब जैसे तो गाइज एकदम बॉटम में डेवलपर ऑर्ग वहाँ पे शो हो रहा है जो कि मैंने नेम मेंशन किया था, कब, जब अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग को कनेक्ट करने के लिए वो कमांड रन कर रहे थे। अभी 8th स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सिंपली हम जो एडब्ल्यूसी कॉम्पेटर अभी क्रिएट किए थे जिसका नाम था माई फर्स्ट टाइटल, उसे हमें सिंपली क्या करना है, हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में डिप्लॉय करना है ताकि हम उसे अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में यूजर को शो कर सके। सिंपली उसके लिए क्या करना है गाइस, सिंपली चलना है वीएस कोड में। गाइस मैंने मेटेक्सएम फाइल में रिकॉर्ड पेज की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, क्योंकि गाइस यहाँ पे होगा लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एंड गाइस रिकॉर्ड पेज में आर कैपिटल होना चाहिए। तो गाइस अब ये परफेक्ट है। तो गाइस अगर आपको डिप्लॉय करना है, अगर आपको अपना एडब्ल्यूसी कंपोनेंट आपके कनेक्टेड सेल्सफोर्स ऑर्ग में डिप्लॉय करना है, मीन्स आपके ऑथराइज सेल्सफोर्स ऑर्ग में डिप्लॉय करना है जिससे आपने अपना वीएस कोड कनेक्ट कर रखा है, तो गाइस आपको सिंपली दो वे है। देन गाइस सिंपली आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस कर सकते हो, तो आपको सारे सारे एसएफडीएस कमांड आ जाएंगे। तो उसमें एक कमांड ये भी रहेगा डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, या फिर अदरवाइज गाइज जिस एडब्ल्यूसी कंपोनेंट को आप ड्रॉप करना चाहते हो तो उस एडब्ल्यूसी कंपोनेंट पर क्लिक करके राइट क्लिक आप करो तो आपको डिप्लॉय दिस सोर्स टू आर का ऑप्शन आएगा, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज सिंपली मैं एसएफडीएस कमांड थ्रू जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी प्रेस करके आपको ये वाला कमांड शो हो जाएगा। देन गाइज सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आपको शो हो रहा है डिप्लॉय सोर्स टू आर सक्सेसफुली रन। गाइज आप मेरे स्क्रीन देख सकते हो कि यहाँ पे हमें नीचे टर्मिनल में शो हो रहा है कि हमारा ये तीन फाइल्स डिप्लॉय चुका है सक्सेसफुली, जो कि कौन सा है, हमारा माई फर्स्ट एडब्ल्यूसी डॉट एस टी एम एल डॉट जे एस एंड डॉट मेटेक्स एम फाइल। तो गाइस हमारा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है हमारे सेसो सॉल्व में। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमारे सेसो सॉल्व में उस कंपनी को ड्रॉप करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अकाउंट का रिकॉर्ड पेज ओपन किया। गाइस हमारा, हमने मेटेक्स एम फाइल में क्या मैंशन किया था कि हमारा टारगेट रहेगा लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, इसलिए हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड पेज ओपन कर लिया है। अब गाइस इस पेज में हमें हमारा एडब्ल्यूसी कंपनी ड्रॉप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सिंपली गेयर आइकन पर सिलेक्ट करना है आपको, एंड देन सिंपली एडिट पेज पर सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस एडिट पेज पे सिलेक्ट करते ही आपका लाइटनिंग ऐप बिल्डर ओपन होकर आ जाएगा। सो गाइस आप लेफ्ट साइड में जाएंगे कस्टम कॉलम के अंदर, तो आपका जो एडब्ल्यूसी कंपोनेंट आपको शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो गाइस हमारा जो नेम है माई एडब्ल्यूसी है, सिंपली माई एडब्ल्यूसी को ड्रैग एंड जहाँ पे आपको ड्रॉप करना है वहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, एंड सिंपली आपको सेव बटन क्लिक कर दें। तो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम कोई एडब्ल्यूसी कंपोनेंट ड्रॉप कर रहे हैं किसी पेज पे, तो गाइज सेव बटन क्लिक करते ही आपको एक एक्टिवेशन वाला ऑप्शन भी आ जाए। तो गाइज जैसे वो एक्टिवेशन वाला पॉपअप आपको शो हो तो आपको सिंपली एक्टिवेट कर, ओके, एंड देन गाइज जैसे आप वो एक्टिवेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको सिंपली एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको सेट डिफॉल्ट ऑर्ग सिलेक्ट, सेट एज अ डिफॉल्ट ऑर्ग वाला ऑप्शन आ रहा होगा। गाइज जैसे कि आप देखते हो मेरे स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, तो मेरे को अभी ऑप्शन आ रहा है कि रिमूव रिमूव एज ऑर्ग डिफॉल्ट, बट गाइज आपको यहाँ पे आएगा सेट एज ऑर्ग डिफॉल्ट। सो गाइज आपको सिंपली वो सिलेक्ट करके सेव कर देना है। देन गाइज सिंपली आपको बैक आरो पे क्लिक कर देना। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉपरली एडब्ल्यूसी कंपोनेंट शो हो रहा है जो कि हमने डेटा पास किया था। आप देख सकते हो पैराग्राफ में भी क्या पास किया था, माई एडब्ल्यूसी कंपोनेंट जो कि हमने हमें बॉटम में शो हो रहा है, एंड हेलो वर्ल्ड गाइज कहाँ शो हो रहा है हमें, वो माई टाइटल प्रॉपर्टी जो कि हमने क्रिएट किया था उसकी वैल्यू हमने कहाँ स्टोर करी थी, हमारे जेएस फाइल में। सो गाइस ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हम आपने सीख लिया इस वीडियो से कि आप किस तरह से सेल्सफोर्स सीएलआई सेटअप कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, एंड किस तरह से एडब्ल्यूसी का एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो अपने सिस्टम में, एंड किस तरह से अपना एडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करके डिप्लॉय कर सकते हो अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। सो गाइस अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।